आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका सिंह घोसी सांसद श्री अतुल्ला की धर्म पत्नी हूँ। मेरे पति 2019 में घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के ठीक 19 दिन पहले एक लड़की के द्वारा राजनीतिक आधार के साजिश के तौर पर एक रेप का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस की जनता उस लड़की को भली भांति जानती है कि वो ऐसे ही राजनीतिक लोगों को बदनाम करके ऐसे झूठे मुकदमे पहले भी करा चुकी है। इसी कारण घोसी की जनता ने इस लड़की की बात को झूठा साबित करके मेरे पति को 1.25 लाख वोट से चुनाव जिता दिया। आज 2 साल से ज्यादा हो गया वे जेल में बंद है। एसपी और सीओ की जांच द्वारा उन्हें मेरे पति को निर्दोष साबित किया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। उस युवती और उसके मित्र द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारी, सरकार और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और न्यायालय पर इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं कि पुलिस वाले उनके पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी से यह निवेदन है कि हमारे साथ न्याय करें, उस युक्ति और उसके मित्र पर बनारस कोर्ट ने जो जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है और पैसे लेकर ऐसे ही वो राजनीति लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाई जा रही है, पुलिस वाले उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरे 2.5 साल के बच्चे हैं, ऐसे किस्मत के मारे हैं कि उनके पिता ने उन्हें गोद में अभी तक नहीं उठाया है। और मेरे ससुर कैंसर के मरीज हैं, जो अपने बेटे की राह देख रहे हैं कि उनका बेटा कब आएगा और उसे न्याय कब मिलेगा। हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया और इंतजार की कोई सीमा होती है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार और दोनों बच्चों को लेकर अपने जान देने को मजबूर हो जाएंगे।